हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको टिश्यू कल्चर लैब और मेरे साथ है यहाँ प्रिया सेमवाल। तो ये हमें बताएंगे कि कैसे एमएस मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्लीज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया सेमवाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमएस मीडिया प्रिपरेशन। सो एमएस मीडिया प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं स्टॉक सॉल्यूशंस। तो ये हमारे स्टॉक सॉल्यूशंस है, अब हम इनको लेंगे और ये हमने लिया है 1000 ml का मेजरिंग सिलेंडर। सो इसमें हम एक एक करके सारे स्टॉक सॉल्यूशंस डालेंगे। सबसे पहले हमने लेना है नाइट्रेट और ये हमें लेना है 20 ml। ये ले लिया हमने 20 ml नाइट्रेट। लेंगे 10 ml सल्फेट। फिर हम लेंगे 10 ml हैलाइट। अब हम लेंगे 10 ml आयरन। अब हम लेंगे 10 ml बोरेट एंड मॉलिब्डेट का स्टॉक सॉल्यूशन। अब हमें लेना है 10 ml फॉस्फेट। अब हमें लेना है 1 ml विटामिन्स। अब हमें इसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है अप टू 1000 ml। ये हम इसमें डबल डिस्टिल वाटर यूज करना है। 30 ग्राम सुक्रोज, 40 mg EDTA, 100 mg इनोसिटॉल एंड 8 ग्राम अगार। सो हम इनको वे कर लेंगे। अब हम इसमें से 100 ml लेंगे स्टॉक सॉल्यूशन का। और इसको मैग्नेटिक स्टेरर में रख के डिसॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें बफर सॉल्यूशन लेने होते हैं pH 4 और pH 7 का। तो सबसे पहले हम इसको pH 4 के बफर सॉल्यूशन में कैलिब्रेट करेंगे। अब हम इसे कुछ देर छोड़ देंगे कैलिब्रेट होने के लिए। ये 4 पे कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम इसे pH 7 के बफर सॉल्यूशन में कैलिब्रेट करेंगे। आठ ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं T1, T2, T3 एंड T4। इसमें हम 2 ग्रोथ रेगुलेटर्स लेंगे NAA एंड BA, जिसमें NAA की कंसंट्रेशन 3 है जो कि कांस्टेंट है चारों के लिए, एंड सेकंड है BA जिसमें कंसंट्रेशन है 2.5, 3, 3.5 एंड 4। हमने NA डाल दिया है, अब हम इसमें BA ऐड करेंगे। पेशेंट हमने कॉन्स्टेंट रखी थी चारों ट्रीटमेंट में, अब हम BA की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे इसमें 2.5, 3, 3.5 एंड 4। अब ये डिसॉल्व हो गया है और अब हम इसमें 900 ml डालेंगे इसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। और हम इसे फिर से डिसॉल्व करने के लिए रख देंगे।
अब हमारा पीएच मीटर 7 पीएच के बफर सॉल्यूशन पे भी कैलिब्रेट हो चुका है। से डबल स्ट्रीट वाटर से वॉश करेंगे। अब हम मीडिया का पीएच मेंटेन करेंगे। हमें एमएस मीडिया का पीएच 5.8 रखना होता है। पीएच मेंटेन करने के लिए हमें एनएओएच लेना है। ये इसका पीएच मेंटेन हो चुका है 5.8। इनकेस अगर इसका पीएच ज़्यादा हो जाता है तो हम इसमें एचसीएल ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एचसीएल। बार जो हमने वे किया था पहले 8 ग्राम वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इसको स्टेयर करना है। गया है, अब हम इसे पोर करेंगे फ्लास्क में। ये हमारा एमएस मीडिया प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें एमएस मीडिया की स्टरलाइजेशन करनी है, तो उसके लिए हम एमएस मीडिया को ऑटोक्लेव करेंगे। प्रिया और दीक्षा, आपने हमें हमारी व्यूअर्स को बताया को प्रिपेयर किया जाता है और होप तो आपको ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड कीप वॉचिंग ब्रेन वर्क स्मार्ट अकेडमी। थैंक यू।